जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बीम्स एंड टाइप्स ऑफ लोड्स, अभी जैसे हम लोग बीम देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बीम्स बना रहे थे, टाइप्स ऑफ लोड्स एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड शियर फोर्स क्या होता है और इनके क्या क्या डिफ्लेक्शंस होते हैं और टाइप्स ऑफ स्लैब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लैब, ये सिंपली सपोर्टेड सबसे नॉर्मल है सिंपली सपोर्टेड, जो हम लोग फिक्स हर जगह लगा रहे हैं वो है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है बीम सपोर्टेड फ्रीली ऑन द वॉल्स और सब कॉलम्स एंड इन लाइक दोनों बीच से बीम है, बीम के दोनों साइड पे हमने इसको फिक्स कर रखा है तो हमारा जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, सकते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है। इसके बाद ओवर हैंगिंग बीम यहाँ पर एक होती है, तो ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि जैसे हमारा ये यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट से हमारा यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर सपोर्ट से जो बाहर की बीम निकला हुआ है इसको ओवर हैंगिंग बोलते हैं। जैसे आप पोर्च बनाते हो, पोर्च के टाइम पर क्या करते हैं, ओवर हैंगिंग बीम निकालना पड़ता है, ठीक, तो दिस वाली जो ओवर हैंगिंग एंड नॉर्मली अगर दोनों तरफ से सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड है। कैंटीलीवर, कैंटीलीवर बीम्स होती है जैसे कि हमारा कोई एक फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर हमने फिक्स सपोर्ट दे दिया और फिक्स सपोर्ट देने के बाद जितना पोर्शन हमारा बाहर निकला रहेगा दैट इज योर कैंटीलीवर, ठीक है, दैट इज योर कैंटीलीवर बीम। और फिक्स सपोर्ट हमारे घरों में यूज होता है, जैसे कि एक तरफ से दूसरी तरफ हमारी बीम गई तो एक तरफ से यहाँ से क्लोज होती है और यहाँ से भी क्लोज होती है, दैट इज योर फिक्स सपोर्ट, ठीक है, तो हमें फिक्स सपोर्ट आना चाहिए। इस क्या होता है और कंटिन्यूअस बीम्स जैसे कि एक कॉलम दिया उसके बाद दूसरा कॉलम दिया फिर आगे की ओर तीसरा कॉलम दिया फिर चौथा कॉलम दिया ऐसे कंटिन्यू होता चला गया, दैट इज योर कंटिन्यूअस, ठीक है, इतने टाइप के बीम्स हमें पता होना चाहिए अपने लाइक आईएएस के लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लोड्स, लोड्स में हम लोग को पॉइंट लोड होता है, पॉइंट लोड मतलब किसी एक जगह पर जो हमारा पॉइंट पड़ता है, ठीक है, उस पर जो लोड डालता है वो हमारा पॉइंट लोड होता है। अभी हम पॉइंट लोड स्टैट प्रो में भी देखेंगे किस तरह से पॉइंट लोड को असाइन करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको यूडीएल बोलते हैं। यूडीएल क्या होता है, यूडीएल कंटिन्यूअस पड़ता है, मतलब कि जैसे यहाँ से डाल दिया तो जितना वेट यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो ये भी हम लोग अभी लगा लेंगे अपने लाइक स्टैट प्रो उसके में एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे क्या होता है लाइक यूडीएल क्या होता है। नेक्स्ट वन इज योर यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड में क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबसे मिनिमम लोड होता है और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम लोड होता है, सर तो एक लोअर लिमिट होता है एक अपर लिमिट होता है, तो हम लोग इसको भी अभी देखने वाले हैं कि इसकी एनालिसिस इस टाइप के बीच हम लोग इस टाइप के लोड्स की एनालिसिस कैसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड मीन्स एक तरफ से नॉर्मली अगर सपोर्ट हुआ है, ठीक, और ये निकला हुआ है दैट इज योर सिंपली सपोर्टेड, ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वर्टिकली नीचे से फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है ये हमारा सिंपली सपोर्टेड है। अब हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट यहाँ पर इस तरह से लगाया जाता है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दोनों तरफ से फोर्स आते हैं, दैट इज योर हिंज सपोर्ट, ठीक। और यहाँ पे कौन सा, ये फिक्स सपोर्ट हो गया, फिक्स सपोर्ट अभी बाहर मैंने दिखाया था आपको, इसमें मोमेंट भी आएगा, ठीक है, टैग ट्विस्टिंग होगी, ठीक, और हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा और वर्टिकल लोड लगेगा, तो ये सारे लोड्स भी इसके अंदर असाइन होंगे। इसके बाद हमारा रोलर होता है, रोलर ये हम लोग ब्रिजेस में यूज करते हैं, सर रोलर में क्या होता है कि रोलर में ये मूव करता है, ठीक है, ये मूव करके इस सपोर्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये मूविंग सपोर्ट इसको आप हो सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हमारा शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट पर अभी बाद में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या क्या पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह के लोड होते हैं, इन सारे लोड्स पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल लगा के देखेंगे उसके रिजल्टेंट क्या है, ठीक है।